सोयाबीन रख देती हूँ कटोरे में पहले, और उसके बाद पानी रख दी हूँ, थोड़ी सी नमक रख दी हूँ, और उसके बाद कुकर चढ़ा दी हूँ, पानी रख दिए हैं, और उसके बाद धोकर आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। उबल जाएगा। ये प्याज है, शिमला मिर्ची है, और टमाटर है, ये सारे मिक्स मसाले हैं। इसको पीसूंगी मिक्सर में अच्छे से। देखिए अच्छे से पिसा गया है मसाला, सोयाबीन से निकालकर पानी से, और इसमें थाली में रख देती हूँ। अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है सोयाबीन, और हो गया। अब इस पानी को फेंक देती हूँ। अब कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसके बाद तेल रख दी हूँ थोड़ी सी, सोयाबीन को भूजने के लिए। इसको अच्छे से भूज देती हूँ सोयाबीन को। सोयाबीन को भूजने के बाद आलू रखूँगी। सोयाबीन भुजा जाता है अच्छे से। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। इतनी मेहनत करती हूँ, आप सब सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए सोयाबीन भी अच्छे से भुजा गया है, भूरा भूरा हो गया है, और देखिए कितने अच्छे से भूरा हो गया। अब इसके बाद आलू रखूंगी। अच्छे से पहले भूज लेती हूँ, उसके बाद आलू रखूंगी। भूज लिया, अब उसके बाद आलू रखूंगी मसल के। आलू भी मसल लेती हूँ अच्छे से, ज़्यादा मसाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा मसलना है, दो टुकड़े में करना है। बस दो टुकड़े में करके रख देना है। थोड़ी से और थोड़ा सा भूज लेती हूँ इसको, आलू और सोयाबीन दोनों मिक्स होकर के अच्छे से भूज लेती हूँ। बहुत अच्छा सब्जी बनता है ऐसे भूजने पे, स्वादिष्ट। अब भुजा गया है अच्छे से, अब इसको थाली में रख लेती हूँ। देख सकते कितनी अच्छी से हो गया है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। ऐसे भी आप बहुत सुंदर है, इसका सब्जी बहुत अच्छा भी बनेगा, देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कुकर चढ़ा दी हूँ, तेल रख देती हूँ। आप अपने हिसाब से भी तेल रख सकते हैं, तेल नॉर्मली रखी हूँ, सही है सब्जी के हिसाब से। अब इसके बाद मैं फ़ोरन रखूँगी, तजपत्ता मिर्ची जीरा है, रख देती हूँ। अब इसके बाद थोड़ा सा भुजा जाता है फ़ोरन, उसके बाद प्याज रखूँगी। अब इसके बाद प्याज रख देती हूँ थोड़ा सा चलाकर। प्याज रख दी और थोड़ा सा चला देती हूँ, इसके बाद थोड़ा सा भूरा हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी सी नमक रख देती हूँ, स्वादानुसार नमक। थोड़ी सी भूज देती हूँ अच्छे से, थोड़ी सी रेड हो जाएगी प्याज। उसके बाद शिमला मिर्च रख दूंगी, शिमला मिर्च रख के थोड़ा सा भूज देती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़ आप सब।
यूट्यूब फैमिली प्लीज। अब इसको भूज देती हूँ अच्छे से। अब मसाले रख देती हूँ, जो मसाला पीसी थी वो मिक्स मसाला मिक्सर में पीसी थी वो मसाले को रख दी हूँ इसमें। ज़्यादा मसाला नहीं रखना है, थोड़ी सी में जो लहसुन अदरक और जीरा मरीच था वो उसको पीसी हूँ। और उसके बाद बस थोड़े से इसको भूज देती हूँ। उसके बाद मिर्ची रख देती हूँ, थोड़ा सा चिकन मसाला रख देती हूँ। चिकन मसाला भी हो गया, अब अपने हिसाब से स्वाद अनुसार रख सकते हैं चिकन मसाला। हल्दी रख देती हूँ पहले, हल्दी भी हो गया, स्वाद अनुसार हल्दी भी रख सकते हैं। अब थोड़े से मसाला भूज देती हूँ अच्छे से, पानी भी रख दिया, पानी रख कर थोड़ा सा भूज देती हूँ अच्छे से। हो गया, देख सकते हैं कितनी अच्छी रेड हो गया एकदम, देख सकते हैं मटन भी इसके सामने सेल है। एक और बना कर ऐसे देखिए कुकर में। अब रख देती हूँ इसमें सोयाबीन और आलू को। सोयाबीन और आलू को रख देती हूँ अच्छे से, भून लेंगे इसके बाद अच्छे से एकदम थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए। बस इन्हें भूनना है, देख सकते कितनी अच्छी हो गया रेड एकदम। मटन फिलेप टमाटर रख देती हूँ इसके बाद, टमाटर रख दिए, टमाटर लास्ट में रखना है। पानी रख देती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी चला देती हूँ इसको, मिक्स कर देती हूँ पूरी अच्छे से। देख सकते हो बहुत अच्छा सब्जी है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद धनिया के पत्ता रख दूंगी, थोड़ी सी धनिया का पत्ता रख दिए, धनिया का पत्ता हो गया। देख सकते हो बहुत अच्छा सब्जी बन गया है। इस तरह सब्जी बनाए आप सब भी। और इसके बाद सीटी लगा देती हूँ, मात्रम 2 सीटी सीटी लग जाती है, दो बस, 2 सीटी लग जाएगी। थोड़ी सी वेट कीजिए 2 मिनट। थोड़ी सी वेट कीजिए 2 मिनट, सीटी लग जाती है। अब सीटी लग गया, अब इसको देखती हूँ सब्जी कैसा बना है। वाओ बहुत सुंदर, देख सकते हैं बहुत अच्छा सब्जी बना है। अब इसको थोड़ा पलट देती हूँ इसमें, देख सकते हैं बहुत अच्छा बना है। वाओ, चावल के साथ खाइएगा मस्त लगेगा एकदम। एक बार आप सब ट्राई करके देखिए प्लीज। आगे चैनल को मेरे सब्सक्राइब